नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अगर आप चाहते हैं रिटायरमेंट उम्र बढ़ाना तो बढ़े वेतनमान का लाभ ना लें। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने कॉलेज के अन्य शिक्षकों की भांति अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग करने वाले शारीरिक शिक्षक और अनुदेशकों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ानी है तो UGC अनुदानित रिवार्ड वेतनमान को छोड़कर पुराने वेतनमान पर लौटे। साथ ही कोर्ट ने मिली अधिशेष पगार को सरकार को वापस देने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रणधीर कुमार की रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक दोनों लाभ लेने के चक्कर में ना रहें। जिस UGC ने उन्हें बढ़ा हुआ वेतनमान मिल रहा है, फिर उसी UGC के नियमों का उल्लंघन क्यों? कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे शिक्षकों को दोनों तरह के लाभ लेने की इजाजत कोर्ट नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट द्वारा किए गए सवालों का जवाब देने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त को निर्धारित की है। वहीं शिक्षक नियोजन में अगर एक ही अभ्यर्थी प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों श्रेणी में अप्लाई करता है और इसका चयन दोनों श्रेणियों में हो जाता है तो खाली हुए पद पर दोबारा काउंसलिंग होगी। इसकी जानकारी DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि अभ्यर्थी प्रारंभिक और माध्यमिक में आवेदन करते हैं, दोनों में से एक में ही नियोजित रह सकते हैं, इसलिए जो पद खाली रह जाएंगे उसके लिए फिर से काउंसलिंग की जाएगी। हालांकि जिस तरह से शिक्षा को लेकर नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार हमेशा शिक्षा को लेकर सवालों में रहा है। फिर चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, या फिर चाहे शिक्षकों की बहाली हो, या फिर समान काम के लिए सामान्य वेतन, तो वहीं बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर करीब 74,000 नियोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड खोजने में विजिलेंस टीम भी थकते हुए दिख रही है। पटना हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही ऐसी शिक्षकों की जांच में नियोजन इकाई आड़े आ रही है और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराने वाली नियोजन इकाइयों पर फौरन कार्रवाई करने की छूट विजिलेंस विभाग को दी है, ताकि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सके। वहीं शिक्षा विभाग के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा सभी जिलों में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की जांच जारी है और जांच में फर्जी डिग्री पर नियुक्त और एक ही डिग्री पर दोनों जगह नौकरी कर रहे शिक्षकों का मामला भी सामने आ चुका है। देखना यह है कि शिक्षकों के इस मामले में आगे और क्या नया मोड़ हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर रहे हैं और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।